तो गाइस सबसे पहला क्योरा एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी कर सकते हैं। जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक। तो मैं यहाँ पे गूगल से जो है साइन इन करना चाहता हूँ। अगर आप फेसबुक से करना चाहते हो तो फेसबुक पे क्लिक कर सकते हैं। सिंपली मैंने गूगल अकाउंट पे क्लिक कर दिया है तो आपके सामने जितने भी अकाउंट है आपके पास आ जाएंगे, उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक देसी ग्रो के नाम से अकाउंट है, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अदरवाइज आपके पास एक है तो आपका एक ही अकाउंट आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं वन लास्ट स्टेप, तो यहाँ पे आपको जो भी आप कैटेगरी से क्योरा अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं, तो उनमें से आपको सिलेक्ट करनी होती हैं जो भी आप कैटेगरी से अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है पेज को बना रहा हूँ, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, साइंस, जो भी मैं मतलब 4 से 5 मुझे यहाँ पे जो है कंपलसरी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप इन चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जिस तरह का भी अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद नीचे आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ आप डन का ऑप्शन देख पा रहे हैं तो आपको डन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से कोरा अकाउंट का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा टाइम ले सकता है। तो हमारा जो कोरा का इंटरफेस है कुछ इस तरह से आ गया गाइस। बहुत ही सिंपल यहाँ पे इंटरफेस होता है कोरा अकाउंट का। यहाँ पे जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम का होता है सेम उसी प्रोसेस से ये भी जो है चलता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पोस्ट वगैरह आ गई हैं जिन लोगों ने कोरा पे अकाउंट बना रखा है। तो यहाँ पे सभी पोस्ट इस तरह से देखते हैं जिस तरह से हम फेसबुक को यूज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप ऊपर की तरफ होम बटन पे जाएंगे तो इस तरह से हमारी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आपको उस पर क्लिक करना है। देख सकते हैं देसी ग्रो के नाम से मेरी प्रोफाइल है। अगर आपको चेंज करना है तो एडिट प्रोफाइल पर जाके इसको जो है आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर इसको नाम कुछ और देना चाहते हैं। उसके बाद साइड में देख सकते हैं शेयर का बटन है। अगर आप प्रोफाइल को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको जो है काफ़ी सारे हाईलाइट मिलेंगे। आप अपने हिसाब से इन हाईलाइट को जो है फिल कर सकते हैं। आप जिस चीज़ पे काम करते हैं उस चीज़ को इसमें डाल सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको लिखनी होंगी तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को कर सकते हैं। वैसे प्रोफाइल में और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मोनेटाइजेशन, योर कंटेंट, रिव्यू। जो यहाँ पे आप जो है पोस्ट डालते हैं वो यहाँ पे स्टेटस जो है कहाँ कहाँ तक वो पोस्ट जा रही है और उस पर कितने व्यूज आ रहे हैं और कहाँ कहाँ तक उसकी रीच जा रही है, सारी चीज़ आपको कोरा के अंदर देखने को मिलेगी। गाइस बात करें इसकी मोनेटाइजेशन की, आप किस तरह से कर सकते हो, तो नीचे की तरफ आपको काफ़ी सारे बटन्स दिख रहे हैं। आपको 4th नंबर वाले बटन्स पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको स्पेस का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको क्रिएट स्पेस पे क्लिक कर देना है। क्योंकि स्पेस जब बनाएंगे जब भी आपका जो है ये कोरा मोनेटाइज होगा, इस तरह से जो है स्पेस आ जाएगा यहाँ पे क्रिएट स्पेस। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फिल कर रखा है नाम। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं अपने स्पेस का जिस चीज़ से आप रिलेटेड रखना चाहते हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको कुछ टैग्स वगैरह डाल देने हैं काफ़ी अच्छे अच्छे से, जिससे कि आपकी पोस्ट जो है वो रैंक कर पाए। और यहाँ पे आपको टैग उसी से रिलेटेड डालने हैं जिस चीज़ की आप पोस्ट डालें। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ पे क्रिएट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो है इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर स्किप कर देना है। दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, तो यहाँ पे स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इस तरह से जो हमारा स्पेस है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसको हम गेट इनवाइट लिंक भी भेज सकते हैं किसी के पास अगर आपको भेजना है। तो यहाँ पे इस तरह से जो हमारा स्पेस क्रिएट हो गया है गाइस। और गाइस इसमें स्पेस में आप जो है कस्टमाइज भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप इनको फिल भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी अच्छी प्रोफाइल बन जाएंगी आपकी। उसके बाद ऊपर की तरफ देख सकते हैं आप जो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ रहा है गेट स्टार्ट पे, तो आपको गेट स्टार्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अदरवाइज आप प्रोफाइल को कंप्लीट करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे ओके कर दिया है। तो यहाँ पे हम 3 तरह के मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस का मोनेटाइजेशन है और यहाँ पे क्योरा का है और एड रिवेन्यू है। तो 3 मोनेटाइजेशन से आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। तो नंबर वाइज से इनको सबको अनेबल करना है। तो मैंने ऊपर वाले पे क्लिक कर दिया है स्पेस सब्सक्रिप्शन पे। तो यहाँ पे स्पेस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अगर कोई बंदा आपकी पोस्ट अच्छी लग रही है और वो सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो यहाँ पे वो ले सकता है। तो इसको मैं अनेबल कर देता हूँ। उसी तरह से जो है हमारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो हमारा स्पेस सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली मोनेटाइज हो गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कोरा रिवेन्यू शेयरिंग। तो यहाँ पे रिवेन्यू शेयर करके भी आपको पैसा मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये भी अनेबल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऐड रिवेन्यू। आपकी पोस्ट में जो ऐड आएंगे उससे आपको पैसा मिलेगा। इसको भी हमको नेक्स्ट पे क्लिक करके
अनेबल कर देना है। तो इस तरह से हमारे सारे मोनेटाइजेशन ऑप्शन हैं वो यहाँ पे ऑन हो गए हैं और आपका जो कोरा का अकाउंट है वो फुल मोनेटाइजेशन हो गया है। गाइस नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप इसमें अकाउंट किस तरह से डाल सकते हैं, उसके बाद जो पैसा है वो आपके अकाउंट में किस तरह से आएगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आपको इस प्रोफाइल को कस्टमाइज़ करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में यही जानेंगे कि हम इसके अंदर बैंक अकाउंट किस तरह से लिंक कर सकते हैं और आपका पहला पेमेंट वो किस तरह से ले सकते हैं। तो सभी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी टैक्स रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते हैं इस चैनल पर।